और मेरी COVID-19 की रिपोर्ट्स पॉजिटिव। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, मैंने COVID-19 का टेस्ट करवाया था और कल मतलब लिटरली रात को मेरे को नींद नहीं आ पाई बिकॉज आई वॉज सो टेंस्ड अबाउट दी रिपोर्ट्स की रिपोर्ट्स क्या आएंगी, बिकॉज इस टाइम पे टेस्टिंग फ्लॉस भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ जाती हैं, उस चक्कर में मैं टेंस था काफ़ी। और सिम्टम्स तो नहीं थे, आई डोंट हैव एनी सिम्टम्स एज ऑफ नाउ कोरोना का, बट आई वॉज वेरी टेंस्ड और जो टेंशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस टाइम पे। बिकॉज अब जो भी रिपोर्ट का रिजल्ट आ गया, फाइनली रिपोर्ट्स आ गई हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ रिपोर्ट्स आ गई हैं, अब जो भी रिजल्ट आया हमें उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करनी है, आगे का प्रोसीजर करना है कि राइड करनी है या नहीं करनी है। तो रिपोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं लेकिन आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम एडी। सो वेलकम टू अनदर क्वारंटाइन व्लॉग, वेलकम टू दिस व्लॉग इन विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ माई COVID-19 टेस्ट एंड ऑल्सो व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, मतलब अब आगे क्या होगा, राइड होगी या नहीं होगी। तो जिस हिसाब से भी रिपोर्ट्स आई हैं उस हिसाब से हम बताएंगे कि राइड कर रहा हूँ मैं या फिर नहीं कर रहा हूँ। रिपोर्ट्स लेके आता हूँ। ऑल राइट, सो आई हैव द पैम्फलेट, इसमें मेरी COVID-19 की रिपोर्ट्स हैं और आपको मैं यहाँ पे स्नैपशॉट दिखा दूंगा और मेरी COVID-19 की रिपोर्ट्स पॉजिटिव नहीं है। So my COVID-19 reports are not positive, they are negative, that means I don't have any coronavirus symptom and it says not detected, so I am free to go to my hometown. It was so, मतलब treacherous हो गया था मेरा रात को, यार क्या रिपोर्ट है, negative positive, मेरे दोस्त मुझे फोन कर रहे हैं, दिवेश फोन कर रहा है, भाई क्या भाई टेंशन मतलब भाई सो जा, तपन फोन कर रहा है, मेरे घर वाले फोन कर रहे हैं, टेंशन सब लोगों को टेंशन, आप लोगों को कितनी टेंशन थी जो आप लोग मैडम भाई कब आएगी रिपोर्ट, कब आएगी। डोंट वरी, आपकी नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, जितने लोगों ने भी बोला था नेगेटिव आएगी, ऑफकोर्स कोई सिम्टम्स नहीं थे बट फिर भी यू नो कुछ ना कुछ हो सकता है आज की लाइफ में, बट फाइनली योर मैडी भाई सेफ, नो कोरोना, नो नथिंग नेगेटिव एंड आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर जम्मू टुमारो। सो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली मैं कौन सी बाइक लेके जा रहा हूँ और दोनों बाइक्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं नीचे, जो मैं बाइक लेके जा रहा हूँ पहले आपको वो बताता हूँ कि कौन सी बाइक लेके जा रहा हूँ और कौन सी बाइक लेके नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू बाइक्स, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 एंड दी डोमिनर 400 2019। सो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स एंड देखते हैं बाइक का क्या हाल है और कौन सी बाइक लेके जानी है। और सामान ये जितना भी आप देख सकते हो ये सारा सो सामान पड़ा है, अभी मेरे को लेना है, मेरा टैंक बैग हो, मेरे सैडल बैग्स हैं, ये सब लेना है मेरे को। तो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स एंड नीचे जाके बात करते हैं। ऑलराइट, सो राइट नाउ आई एम एट दी ग्राउंड फ्लोर ऑफ माय टावर और अभी मैं आपको डोमिनर बताऊंगा, फिर डोमिनर या एनफील्ड में से बताऊंगा कौन सी बाइक पे जाना है। कैसे हो? तो यहाँ पे इन्होंने सैनिटाइजिंग मशीन लगा रखी है, यू कैन सी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू शुड सैनिटाइज योर हैंड्स। तो राइट नाउ आई एम स्टिल अनेबल टू डिसाइड कि कौन सी बाइक लूँ, बट डेफिनेटली आई विल बी चूजिंग अ डोमिनर बिकॉज ऑफ सो एंड सो मेनी रीजंस। पहले मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न क्या है। अभी थोड़ी सी गंदी है, इसको साफ करेंगे और इसको स्टार्ट करके वहाँ ले जाता हूँ। टाइम टू साफ द बाइक, बाइक को साफ करता हूँ थोड़ी सी, फिर मैं बताता हूँ कि मैं डोमिनर क्यों चूज़ कर रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड पे क्यों नहीं जा रहा। ऑलराइट, तो अभी बाइक बिल्कुल साफ हो चुकी है, एज यू कैन सी इट्स शाइनिंग लाइक अ प्रो। अब मैं रॉयल एनफील्ड क्यों नहीं ले रहा हूँ उसका रीज़न आप लोगों को पता था, मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि एनफील्ड में कुछ इश्यूज थे और उन इश्यूज की वजह से आई कैन नॉट टेक माय एनफील्ड एज ऑफ नाउ। अभी चलते हैं बेसमेंट में और मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप अपनी अंधेरा अगर आप अपनी बाइक को काफ़ी दिनों के लिए छोड़ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी बाइक में बैटरी का इशू ना आए। तो अभी मैं उस चीज़ को बताता हूँ आपको नीचे जाके। सो अभी एनफील्ड है, इस पर भी थोड़ा सा कपड़ा मार लेते हैं।
अभी क्या मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, बेसिकली मैंने क्या किया है, पॉजिटिव नेगेटिव हटा दो अपनी बैटरी से तो आपकी बैटरी को आप निकाल सकते हो इनफील्ड से, या फिर बैटरी नहीं निकालनी है तो डिसकनेक्शन कर दो सॉकेट्स पॉजिटिव नेगेटिव को। यहाँ काफ़ी गर्मी है। और तो गाइस मैंने क्या किया, मैंने अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इसके स्लॉट्स को अलग कर दिया है। वैसे ये यहाँ पर रहता है, सो दिस ब्लैक वन इज़ दी नेगेटिव एंड दी रेड वन इज़ दी पॉजिटिव। तो अभी मैंने क्या किया, इसको डिसकनेक्ट कर दिया है क्योंकि अब मैं काफ़ी अगर घर जा रहा हूँ तो बैटरी डिस्चार्ज ना हो। सो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है, आपको बैटरी को अलग करके रखना है सो दैट ये आपकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो इनफील्ड की कोई भी बाइक हो अगर आपके पास। सो दिस इज़ दी प्रोसीजर आई हैव डन, रिमूव दी कनेक्शन नेगेटिव एंड दी पॉजिटिव। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं ऊपर आ गया हूँ अपने रूम पे और फाइनली जो बाइक मैं लेके जा रहा हूँ दैट इज़ द डोमिनर 2019 जो मेरी हल्क है। तो जम्मू में अभी आगे राइड का क्या प्लान होगा वो वहाँ जाके देखता हूँ, वहाँ पे मेरा एक ग्रुप है जम्मू का तो वहाँ पे अगर राइड हुई तो हम डेफिनेटली राइड होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर टू कीप अपडेटेड ऑन इंस्टाग्राम। तो ये आज मैंने छोटा सा क्रिस्पी सा व्लॉग आप लोगों के लिए बनाया जस्ट टू लेट यू नो गाइस दैट माई रिजल्ट इज़ नेगेटिव, COVID-19 मैं नहीं हूँ, मेरे को कोई भी कोरोना वायरस का सिम्टम नहीं है एंड आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर जम्मू टुमारो मॉर्निंग। सो कल सुबह मैं निकल रहा हूँ, सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अपडेटेड रहना इंस्टाग्राम पे, सारी स्टोरीज सारी फनी मोमेंट्स सारी राइडिंग मोमेंट्स आपको वहीं मिलेंगे ऑल द टाइम। तो जम्मू पहुँच के मैं ट्राई करूँगा कि आगे पीछे या फिर अगर हो पाया तो मैं राइड करूँगा। और वैसे तो अभी सिचुएशन जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि राइड नहीं हो पाएगी बिकॉज केसेज आर न्यूमरस, ऑलमोस्ट 1 मिलियन होने वाले हैं और घर वाले परमिशन दे या नहीं इसका मुझे सीरियसली आइडिया नहीं है। और अगर मुझे घर वाले परमिशन नहीं देंगे तो डेफिनेटली मैं नहीं जा सकता राइड पे। तो जितनी भी होगी छोटी मोटी राइड मैं करूँगा, डेफिनेटली आपको जम्मू के व्लॉग्स दूंगा, बहुत सारी जम्मू में चीज़ें हैं जो घूमने लायक हैं, अपने फैमिली मेम्बर से मिलाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली मैं अभी बता दूंगा तो यू नो क्रेज़ खत्म हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा दिल्ली टू जम्मू द राइड आफ्टर ऑलमोस्ट 5 मंथ्स ऑफ लॉकडाउन। तैयारी करता हूँ, थोड़ा बहुत सामान रह गया वो डालता हूँ, कल सुबह मुझे उठना है 4 बजे एंड प्रॉबेबली 5 to 5:30 आई विल बी लिविंग फॉर जम्मू। सो गाइस विश मी लक फॉर द टुमारो ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स ऑफ राइड। सो प्रॉबेबली 10-11 घंटे में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, डोमिनर है तो थोड़ी तेज़ चलेगी तो 10-11 घंटे में हो जाएगा। अब JN के बॉर्डर पर बहुत सारी चेकिंग हो रही है और बहुत सारी चेकिंग होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने की पूरी उम्मीद है, मतलब 1.5 से 2 घंटे वहाँ लगेंगे। तो इट वुड बी बेटर कि मैं शाम होने से पहले अपना JN के बॉर्डर क्रॉस कर लूँ। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, होपफुली आपको एक छोटा सा मस्त सा क्रिस्पी सा व्लॉग पसंद आया होगा, आपके मैडे पर बिल्कुल मस्त हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपका दोस्त आपका भाई बिल्कुल फिट एंड फाइन परफेक्ट है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड राइड सेफ राइड हैप्पी राइड कॉन्फिडेंट एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खाओ पियो मजे करो गाइज, ऐश करो क्या पता कल हो ना हो, इस लाइफ में जो करना आप कर सकते हो और स्टे हैप्पी स्टे होम स्टे सेफ एंड प्लीज प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू वेरी सून द नेक्स्ट व्लॉग।